मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर आदिवासी एकता परिषद ने मशाल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले निकले मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर के साथ बलात्कारियों को फांसी देने, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, सेव मणिपुर जैसे गगनभेदी नारे लगाए। परिषद के पदाधिकारियों ने सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि मणिपुर राज्य की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। वहां की सरकार को ऐसी घटना की जानकारी होने के बावजूद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। परिषद ने प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग के साथ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता महिला और पुरुष मौजूद थे। नमस्कार, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज से दिशा तावड़ महासचिव। मैं इस चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब से भी निवेदन करती हूँ कि ये जो औरतों के साथ हो रहा है, हमारी आदिवासी महिला और आदिवासी बहनों के साथ जो गलत हो रहा है, उस चीज़ को लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। क्योंकि हम आदिवासी है इसलिए हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। हमें इस चीज़ के हमें न्याय चाहिए कि ये सब जो हो रहा है, अब सरकार चुप क्यों है, अब कहाँ गए? जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इतना हाईलाइट कर देते हो, तो हमें इस चीज़ का बताओ कि जो हमारी महिलाओं के साथ हुआ है, वो 2 महीने से सारी चीज़ें बंद थी, इस तरीके से सड़कों पे घुमाया जा रहा था, तब कहाँ गए सब सरकार, कहाँ गई मोदी सरकार? अभी हमें इस चीज़ को लेकर सिर्फ न्याय चाहिए। हमारी बहनों के साथ जो गलत हुआ है, उस चीज़ को हमें बस न्याय चाहिए। जी, मैं डॉक्टर मान सिंह नामा आदिवासी एकता परिषद के साहित्य प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज उदयपुर में हम सब लोग आदिवासी एकता परिषद राजस्थान के बैनर तले एकत्रित हुए हैं और हमने यहाँ पर मणिपुर में जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको नग्न घुमाकर वीडियो वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी सजा देने की मांग को लेकर हम यहाँ राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। हम आपके साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं कि देश में आज जहाँ पे भी प्रताड़ित, आदिवासी प्रताड़ित क्यों हो रहा है, हर जगह जाओ, मध्य प्रदेश देखो तो आदिवासी पेशाब किया जा रहा है, मणिपुर में देखो आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनका रेप हो रहा है, उदयपुर में देखो आदिवासी बेटियों के साथ टुकड़े किए जा रहे हैं, तो आदिवासियों का शोषण इस देश में क्यों हो रहा है? हम आपके माध्यम सरकार से पूछना चाह रहे हैं और साथ ही ये निवेदन भी करना चाह रहे हैं कि सरकारें आदिवासियों के इनके रहन सहन, इनके संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें और आदिवासियों के अधिकारों के लिए उनके संरक्षण करें। इस प्रकार से उन्हें मजबूर नहीं करें कि आदिवासी कभी रोडों पर उतर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। साथियों, आज हम सभी लोग, कॉलेज के सभी युवा और मेरे साथ में भाई अरविंद कोटारे विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नारायण कलाश युवा और एडवोकेट हमारे लोकेश जी और साधना मैडम और कुसुम भाई और सभी हमारी बहने, इतने सारे लोग हैं, हमारे दिशा तावड़ और सभी युवा यहाँ पे आए हैं। आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि आदिवासी बहन बेटियों का जो हुआ है, अभी तक 80 दिन बीत गए, सरकार ने एफ आई आर दर्ज नहीं की, एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और एक भी आरोपी को फांसी की सजा नहीं दी। तो साथियों, हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी दोषी थे उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए, ये हम निवेदन कर रहे हैं। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।